किशोर कुमार मुक्ति धाम है, यहाँ पर उनकी बॉडी जलाई गई थी खंडवा में, यहाँ पर बॉडी जलाई जाती है, वो वाली जगह है और ये उनका मेमोरियल है। जो हम उनका मेमोरियल देखने आए हैं किशोर जी का, तो वो ये है। देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो आप अपने दिमागों से ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल निकाल देना कि खंडवा में किसी स्पॉट पर किशोरदा के नाम से कोई समाधि है। दादा का समाधि से कोई लेना देना नहीं। अपने हिंदुत्व में जो होता है अग्निदा, तो किशोरदा का भी बकायदा 13 अक्टूबर 1987 को बॉम्बे से खंडवा डेड बॉडी लाकर, पीछे नज़र मारो कोने पर देखो तो पाम टाइप नारियल टाइप में दो पेड़ा लगी दिख रहे सर, वो स्पॉट है, वो जगह है, उस समय किशोर कुमार जी का अग्नि दहन वहाँ पर हुआ था और उसी समय थोड़ी बहुत उनकी अस्थियाँ ओंकारेश्वर में विसर्जित की थी और एमपी गवर्नमेंट ने जो थोड़ी बहुत संभाल के जो रखवाई थी। तो 4 अगस्त 2008 को जब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसका डेवलपमेंट करवाया था तो यही स्टेच्यू के नीचे कलश में फूल अस्थि रख के ऊपर का ऊपर उनका स्मारक करूँ। तो ये जो गुलई वाला भाग आप जो देख रहे हो ऊपर ऊपर का, ये तो दादा का स्मारक हो गया। जस्ट नीचे वाला फाउंडेशन जितना भी बना हुआ है, इसके जस्ट नीचे उनका 100 सीटर का मिनी थिएटर सिनेमा हॉल है। तो हर साल दादा का 4 अगस्त जिस दिन बर्थ रहता है, उस दिन सुबह से शाम तक उन्हीं से संबंधित इसके नीचे उन्हीं की मूवी बताई जाती है। ओनली एक दिन बर्थ के दिन। अब दी स्पेशली गॉड गिफ्टेड किशोर कुमार जी, इनके जो गुरु थे धुनी वाले दादाजी, तो ये किशोरदा जो है वही धुनी वाले दादाजी की देन है। क्योंकि उस समय धुनी वाले दादाजी के जाते जाते इनकी किस्मत में दादाजी का साक्षात आशीर्वाद और दादाजी ने इन्हें जो चमत्कारी लड्डू का प्रसाद जो हथेली पे गरम गरम दिया था, उसी लड्डू के प्रसाद को ऊपर का ऊपर झपट कर खाने से इनका जब कंठ खुला, जब जाके ऑल वर्ल्ड में उन्होंने अपने सुरों से सुर दिए। तो धुनी वाले दादाजी और किशोर कुमार जी इन्हीं दोनों लोगों पे साक्षात 10-10, 12-12 मिनट पर लोकल खंडवा पर इनके जो इतिहास है, जन्म से लेके मृत्यु तक ये दोनों के इतिहास गढ़ने वाला मैं खुद हूँ स्वयं यहाँ। एक आध गाने गा दो उनके। चलते चलते मेरे वो गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना,
कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। दुनिया देख रही हो, दुनिया खुद थोबड़े को देखने आ रही है मुझे यहाँ पे। और ये जो नज़ारा मैंने बताया है नदी का और चट्टाने जो देखिए, यही चट्टानों पर बैठ के गुनगुनाया करते हैं। यहीं पे प्रैक्टिस करते थे, यही गुनगुनाते थे और इसीलिए यहीं पे, इसलिए उनके उनके स्पॉट से निकलना हुआ था। दादाजी जिस दिन अपना आखिरी ध्यान लगा के बैठे थे कि दादाजी आज 1590